सकूँ तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ने जो है मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। तो मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरी जो है यूट्यूब की फैमिली 200 की हो चुकी है। तो अब जल्दी जल्दी इसको जो आप लोग 500 करवाओ, फिर उसके बाद 1000 भी करवाना है, फिर उसके ऊपर भी जाना है। तो मैंने बोला कि चलो 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो मैं क्या ब्लॉग डालूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैंने बोला क्यों ना करवा दूँ मीठा कर सकते। जब मुँह मीठा करने की बात आए और हिंदुस्तानियों के लिए चाय से बढ़ के तो कुछ नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है, बच्चा हो या बड़ा हो वो हर उम्र का इंसान पीने में मतलब हिंदुस्तानी में हम अगर इंडियंस हैं तो चाय चाहिए चाहिए हमें। मैंने बोला क्यों ना चलो आज चाय के ऊपर एक टॉपिक बन जाए, क्योंकि मुझे कमेंट में भी आ रहा है कि आपके यहाँ पर चाय की दुकान तो अच्छी चाय के ऊपर बनाई है। तो मुझे मेरे एरिया ही में एक दुकान है, आप देख सकते हैं कुल्लड़ वाले चाय विद चाइनीज, तो स्पेशली इनका जो चाय के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे जो आपको कितना भी आप लोग क्या कितने चाय मिलेगा, 12 टाइप आप थोड़ा बता दीजिएगा, 12 टाइप का क्या क्या है टाइप्स में आपका, आप ही बताइए अपने मुँह से। मसाला चाय है, लीची चाय है, रूस चाय है, पाइनएप्पल है, रम है, चॉकलेट है, केसर इलायची है, पिंक गुआवा है, वनीला है, गुलकंद है। तो आप ये कहाँ से दिमाग में से कैसे आए चाय में जितना वैरायटी हो सकता है? हम लोग तो एक तो चाय जानते हैं कि तंदूरी चाय हुआ या नॉर्मल चाय है, केसर चाय है, इलायची चाय है, तो इतना सारा आप लोग मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया ये चीज़? मुझे कुछ नया करने का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दाम बिल्कुल यूनिक है, मतलब 10 रुपए में चाय। मेरे हिसाब से जो रस्ते में जो मैं जहाँ पीता हूँ मैक्सिमम जगह, तो भाई आप 10 रुपए में चाय कैसे दे सकते हैं, वो भी इतना मतलब मसाला चाय, लीची चाय, जो भी आपका फ्लेवर है। ये हम लोग ये रखते हैं, मतलब गरीब से गरीब आदमी भी आके ट्राई कर सकता है। तो मतलब ये बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि फ्लेवर्स तो है ही। मैंने एक बार खड़गपुर में और दिल्ली में भी ट्राई किया है ये चीज़ चाय का फ्लेवर, लेकिन खड़गपुर में जो मैंने ट्राई किया था वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता था कि वहाँ पे फ्लेवर्स तो बहुत सारे थे, मतलब लगभग 16-17 फ्लेवर्स थे, लेकिन जब मैंने डिमांड किया तो उनके पास ही 7 या 8 ही फ्लेवर्स हैं, 6 या 7 फ्लेवर्स थे, बाकी बोले थे मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। तो आपके पास अभी सब अवेलेबल है? मैं जो डिमांड करूँगा आपको देना होगा। तो चलिए फिर मैं देखता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ इनकी जितनी चाय मैं सभी को ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि इनकी चाय कैसी है नहीं है। तो दाम तो भाई मैं बार बार कहूँगा कि 10 रुपये में फ्लेवर चाय इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, वो भी कलकत्ता जैसे इतने बड़े शहर में, और वो भी ये 5 स्ट्रीट एरिया है, ये नहीं कि मीन्स कोई गांव देहात है कलकत्ता के आउटर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बिल्कुल 5 स्ट्रीट में है। और मैं आपको इसका एड्रेस भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए पहले मैं चाय का ऑर्डर देता हूँ और दिखाता हूँ कि चाय यहाँ पे बनती कैसे है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे सबसे पहले मेरी चाय आ चुकी है, तो मैं कैमरा इधर दिखाता हूँ। तो ये है इनकी केसर इलायची चाय, ये 10 रुपए करके, और भाड़ मैंने पहले भैया को बोल दिया है कि आप लोग आधे आधा करके दें, तो ये भाड़ है पूरा भर के देते हैं 10 रुपए में। तो मैंने इनको बोला आधा आधा देने, क्योंकि इतनी चाय है, इतनी चाय तो मैं अकेले पी भी नहीं सकता हूँ। तो हम लोग 4 लोग हैं, पूरी टीम है मेरे साथ आज, लेकिन तब भी हम लोग 4 आदमी कितनी चाय पियेंगे, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ी थोड़ी चाय देने। तो चलिए पहले मैं इनकी केसर इलायची चाय पी के बताता हूँ कि चाय है कैसी। चाय गाढ़ी है काफी, ज्यादा इस चाय के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, जैसे एक नॉर्मल चाय होती है वैसी है। इलायची का एक हल्का फ्लेवर आ रहा है, केसर है, केसर का खुशबू तो आएगी, केसर है तो, और चाय अच्छी है, चीनी भी बिल्कुल मतलब मिठास भी बिल्कुल बैलेंस है, और तो सबसे बड़ी बात है ना गाढ़ी दूध है। तो 10 रुपये में ये चाय बिल्कुल पैसा वसूल है। चलिए पहले मैं चाय है कितनी तो पीऊंगा नहीं, थोड़ी थोड़ी सबों में चखेंगे, दूसरी चाय बन जाती है फिर मैं आपसे मिलूँ। तो यहाँ पे एक भैया है, इन्होंने एक चाय पी है, अभी इन्होंने और एक ऑर्डर दिया है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका फीडबैक कैसा है चाय का। तो भैया आपका नाम क्या है? राजेश।
तो आपने अभी कौन सी चाय पी है यहाँ पे? अभी मैंने इलायची केसर इलायची खाई। तो कैसी लगी आपको चाय इनकी? चाय अभी ये इलाका में इतना अच्छा चाय कभी पिए। तो 10 रुपए के हिसाब से सही है? 10 रुपए के हिसाब से ये चाय मतलब सही नहीं, बहुत सही है, हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। ओके, तो अभी आपने और कौन सी चाय ऑर्डर की है यहाँ पे? अभी वैनिला कैरमल। ओके, तो चलिए पहले आप पी लीजिए, उसके बाद थोड़ा बताइएगा। आप अभी 3 दिन से एवरीडे चाय पी रहा हूँ, मतलब आप कंटिन्यू पी रहे हैं? ओके, लगातार 3 दिन से पी रहा हूँ। तो आपने अभी क्या क्या फ्लेवर तक ट्राई किया यहाँ पे? मैंने आपका मसाला चाय ट्राई किया और एक आपका केसर। तो दोनों आपको पसंद आई? चल रहा है क्या बोलते हैं वनीला। हाँ। तो ठीक है, आप पहले वनीला पी लिए, फिर मैं आपको एक बार डिस्टर्ब करूंगा। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे आपको सिर्फ जो है चाय नहीं है, यहाँ पे आपको जो है आप देख ही सकते हैं नाम के साथ लिखा हुआ है कि कुल्लड़ वाले चाय चाइनीज। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इनका किचन कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन इनका कुछ इस टाइप का है। तो काफी यहाँ पे आपको साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है, बिल्कुल हाइजीनिक है। तो मतलब अगर आप हाइजीन भी अगर आप देखते हैं तो आप आराम से यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। काफी साफ सुथरा है और हर चीज अपनी जगह पे है। छोटी सी दुकान है लेकिन बड़े अच्छे से रखा गया, लाइटनिंग और बहुत साफ सफाई है, तो अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको रोल, सैंडविच, बर्गर सभी कुछ अवेलेबल है। और अभी तो नया नया खुला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि और जैसे जैसे दिन जाएंगे यहाँ पे तो आइटम्स और मिलेंगे। तो चलिए अभी और चाय आ रही है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मेरी दूसरी चाय आ चुकी है। तो ये है चॉकलेट चाय, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल चाय लग रही है, अब देखते हैं पी के। चाय में पहले बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इनको बोला है कम कम देने की, कितना फ्लेवर है कि चाय को भी पी सकता है, तो मैंने पी है तो और कम बोला, तब भी भैया ने आधा दिया। चलो मैं आपको चॉकलेट चाय पी के बताता हूँ। चॉकलेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल चाय लेकिन स्मेल बिल्कुल चॉकलेट की। स्ट्रॉन्ग स्मेल है चॉकलेट की लेकिन जब आप पियोगे तो बिल्कुल चाय है और खुशबू आ रही है, पता नहीं बड़ा यूनिक फ्लेवर है। चॉकलेट चाय मैंने सुना तो मुझे ये लगा था कि पहली बार तो देखने में चॉकलेट टाइप होगी और पीने में तो बिल्कुल लगेगा जैसे बॉर्नविटा या वो बूस्ट होता है उस टाइप का टेस्ट आएगा, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल अलग है। मतलब चाय के साथ जस्टिस किया फ्लेवर है। तो बहुत जगह ये होता है कि चाय तो बहुत टाइप की होती है लेकिन चाय का जो है कि आप पहचान कर दिया जाता है, नाम ऐसे ऐसे रहते हो चाय पी रहे हो, लगता ही नहीं कि चाय, बिल्कुल लगता है कि आप दूध में हॉट ड्रिंक डाल के पी रहे हो या चॉकलेट डाल के पी रहे हो। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, बिल्कुल चाय के साथ जस्टिस किया गया है। मतलब मैं बोलूँगा आप यहाँ की चॉकलेट चाय भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब और तीसरा फ्लेवर आने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा फ्लेवर पीने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो है तीसरा फ्लेवर आ चुका है चाय का। तो ये है 5 फ्लेवर, ये भी देखने में बिल्कुल नॉर्मल चाय है लेकिन चलो देखते हैं पहले खुशबू। ये तो बिल्कुल वैसी आ रही है खुशबू, इसकी खुशबू तुम भी तुम जाने पहचाने की लग रही है। ये फ्लेवर बिल्कुल वो है, अगर आप हुक्का पिया है आपने कभी 5 फ्लेवर, उस टाइप की स्मेल आ रही है इसमें से, बिल्कुल लग रही है हुक्के का हुआ है। तो चलिए अब पी के बताता हूँ कि चाय है कैसी। भाई साहब इनकी एक चीज मुझे अच्छी लग रही है अभी तक, सेंट में बिल्कुल फ्लेवर आ रहा है लेकिन जब आप चाय पियोगे ना तो चाय का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चाय का टेस्ट है, साथ में एक हल्का सा उसमें फ्लेवर आ रहा है, पीने के बाद बिल्कुल हल्का फ्लेवर आ रहा है। और जब पीने के बाद जब गले से जा रही होता है तो बिल्कुल एक मिंट फ्लेवर आ रहा है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं हुक्का का लिक्विड फ्लेवर ले रहा हूँ और चाय का टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बैलेंस है चाय और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें भी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, नॉट बैड। और मुझे लगता है ट्राई करोगे तो अगर आप 10 लोग हैं सब तो अपना अपना टेस्ट होता है, टेस्ट बहुत अलग अलग है। मुझे लगता है 10 में 2 ऐसे हैं जो ये रेगुलर पीने लगेंगे क्योंकि एक अपना इसका अलग टेस्ट है, नॉट बैड। मैं अगर सेकेंड टाइम भी आता हूँ तो पी सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय अच्छी है ये। तो चलिए अब चौथा फ्लेवर आता है उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मेरी जो है चौथी चाय आ चुकी है, तो ये है रोज की गुलाब की पत्तियों की चाय। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि कैसे पहले तो खुशबू सुनने की आती है, उनको देख के बताता हूँ कैसे स्मेल के साथ, बिल्कुल रोज वाटर वाला स्मेल आ रहा है, गुलाब पानी वाली खुशबू आ रही है। तो चलिए चाय पी के बताता हूँ कैसे।
अभी तक का जो मैंने चार फ्लेवर दिया ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट लगी है, हल्का फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गर्म चाय में भी आप अगर दो तीन गुलाब के फूल की पत्ती तोड़ दें और उसे उबाल के अगर पिए और चाय का फ्लेवर तो है, अलग एक खुशबू आ रही है, ये मुझे अभी तक सबसे अच्छी लगी है। चलिए अब पांचवा फ्लेवर आता है सवा, तो फिर वो भी दिखा। तो फ्रेंड्स अभी आ चुका है मेरा ये गर्म फ्लेवर, ये है लीची फ्लेवर। लीची फ्लेवर में चाय, लीची फ्लेवर, चलो वो कौन सा फ्लेवर है? लीची खाते हैं, लीची मसाला, वो ही फ्लेवर है। चाय लग रही है और बहुत कड़क है, लेकिन थोड़ा कड़क है सब, बाकी सब इसको पीने के बाद हल्का मिर्च का एहसास हो रहा है। स्ट्रॉन्ग चाय अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है ना तब कड़क, तो आप यहाँ पे लीची फ्राई कर सकते हैं। कड़क चाय पसंद नहीं है तो इसलिए शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई करें, पसंद आएगी। और वही बात है, सबको अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना ओपिनियन है, बुरी नहीं है चाय, एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए बस और दो तीन फ्लेवर है, साइबा और एक ये लोग, अब साइबा और दरियान ये लोग से मैं पूछूंगा, क्योंकि और मेरे पास अब जगह नहीं है चाय पीने के, क्योंकि और मुझे लगता है मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है चाय पी पी के। चलिए अब दूसरा फ्लेवर आ जाता है, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है मसाला चाय, तो चलिए अब इसका रिव्यू जो है साहिबा देगी पीके। चलो पीके बताओ कैसी है। मुझे सबसे अच्छी ये मसाला चाय लगी है अभी तक की, बेस्ट बिल्कुल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और मीठा भी बिल्कुल बैलेंस है, मतलब जो चाय नॉर्मल चाय पीते हैं वो तो मसाला की ट्राई कर सकते हैं। मैं ये चाय खत्म करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। और ये चाय पी के किसी की याद आ रही है जेठालाल भाई साहब की? हाँ मुझे जेठालाल की याद है, इसलिए मैंने ये मसाला चाय ट्राई की। तो अगर आप जेठालाल के फैन हो तो एक बार ये वाली आप जो चाय ट्राई करना। चलिए और एक फ्लेवर बाकी है, क्या फ्लेवर बाकी है अब भैया, और क्या फ्लेवर है? सब तो हो ही चुका है, मोटा मोटी सब हो गया। अच्छी है। और और अच्छी वाली, कितना बजे? तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगभग सारा जितना फ्लेवर था चाय का सभी पी लिया, चेस किया और सब जो था एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया, क्योंकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो है सच है। मैं अपना पैसा दे के पीने वाला हूँ, मतलब पिया हूँ, तो इसीलिए जो है मैं एकदम सच कह रहा हूँ। तो एक बार आप भी आकर ट्राई करो, मेरा चैलेंज है। अगर आप यहाँ पे खास कर इस एरिया में, मैं आपको एड्रेस भैया से लेके बता दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। सो अगर आप कभी भी यहाँ आसपास में रहते हैं या कहीं अगर यहाँ से गुजरते हैं कभी, तो एक बार यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ का एडिक्ट हो जाइएगा, आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मैं डेली नहीं तो कम से हफ्ते में दो तीन दिन तो आने वाला हूँ वाइफ के साथ चाय पीने के लिए, कितनी अच्छी चाय। तो चलिए मैं आपको इनका एड्रेस भी बता देता हूँ भैया, आपका अगर कोई मेरा वीडियो लेके आना चाहता है तो एड्रेस क्या है? पाटा मोड़। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस दे दूंगा। तो आज का बिल्कुल जो है अलग था भैया, वीडियो चाय के ऊपर था, और यहाँ पे खाना भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है फूडिंग में भी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको रोल, बर्गर और सैंडविच ये सब भी चाइनीज अवेलेबल है सब आइटम, तो आप वो भी आकर ट्राई कर सकते हैं। मैंने आज तो मेरी हिम्मत नहीं है कि चाय पी है यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कभी आऊँगा तो यहाँ का और कुछ ट्राई करूँगा ज़रूर, क्योंकि अब यहाँ मुझे लगता है मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि चाय की बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको फ्रेंड्स पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ नबीला साहब ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूँ ही अपना प्यार बरसाते रहें। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम भी मेंशन करूंगा वीडियो पे। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय बाय।